लगातार लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों का निलंबन जारी है। आज लोकसभा में करीब 49 सांसद और निलंबित कर दिए गए और अब निलंबित सांसदों की संख्या 142 पहुंच गई है। तो कुछ सवाल है सरकार से, मोदी जी स्वांग ही बंद कर दीजिए, क्या ड्रामा संसद का, सदन का, सत्र का, ये सब करना है? लगाइए सदन पर ताला और जो मर्जी आप आ रहा है वैसे ही कर रहे हैं, तो क्यों ये ड्रामा, ये स्वांग ही क्यों रचना है? असलियत तो ये है कि लोकतंत्र को जितना बड़ा खतरा आपसे और आपके मंसूबों से है, उतना पहले लोकतंत्र को खतरा इस देश में नहीं था। और वो तमाम लोग, जब हम कहते थे लोकतंत्र खतरे में है, जो फब्तियां कसते थे, जो पलटकर पूछते थे आप लोग ऐसी बात क्यों करते हैं, अब क्या कहेंगे? अगर इस देश के 142 सांसद निलंबित हो जाते हैं तो लोकसभा या राज्यसभा में विपक्ष की बात को, विपक्ष के मुद्दों को कौन उठाएगा? विपक्ष की क्या भूमिका होती है? विपक्ष की भूमिका होती है सरकार की जवाबदेही तय करना, उनसे सवाल पूछना हर उस मुद्दे पर जो लोगों के लिए और देश के लिए जरूरी है। संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई, गृहमंत्री बजाय संसद में आकर बयान देने के किसी टेलीविजन चैनल पर बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री बजाय संसद में आके भरोसा और आश्वासन देने के अखबार को बयान दे रहे हैं। तो देश जिस तरह से आप चला रहे हैं उस तरह से देश चलता नहीं है, पहली बात तो ये कहनी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनमानी करनी है लोकसभा और राज्यसभा में, चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने अंगूठे के तले दबा के रखना है तो वो बिल पास कराना है, प्रेस की फ्रीडम को खत्म करने के लिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल पास कराना है, टेलीकॉम का नया बिल पास कराना है जिससे सरकार जब चाहे टेलीकॉम की सेवा स्थगित कर सकती है और आपके फोन पर जब चाहे टैपिंग कर सकती है, क्रिमिनलाइजेशन पर एक नया बिल पास कराना है जिससे ये देश पुलिस स्टेट बन जाएगा। अब विपक्ष रहेगा तो विपक्ष सवाल पूछेगा, सवालों का इनके पास कोई जवाब नहीं है। संसद में भारी चूक हुई सुरक्षा में, उसका ट्रिगर बेरोजगारी की बात नहीं बात करेंगे, इन बिल्स पर चर्चा नहीं करेंगे, बस किसी तरह से अपनी मनमानी करते जाएंगे। ये असलियत मोदी सरकार की है। लेकिन इसी असलियत के चलते आज कुछ एक बोगी, एक लॉबी तैयार हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हुए लोगों की अवमानना हो रही है। कहां थे आप लोग? क्यों मुंह में दही जमाई हुई थी? क्यों आंखों पर पट्टी बांध ली थी? जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पर बैठे हुए लोग सांसदों के हक का हनन करते हैं, जब मनाए उनको निलंबित करते हैं, बजाय लोकतंत्र के प्रहरी बनने के लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक बन जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणी विपक्ष के नेताओं पर करते हैं, तब आप कुछ क्यों नहीं कहते? सारा ज्ञान विपक्ष के लिए है, सत्ता पक्ष के लिए जी हजूरी रहेगी। असलियत यह है कि देश के संसद को केजी का स्कूल बना दिया इन लोगों ने। ये चुने हुए सांसद हैं, इनका काम है आवाज उठाना, इनका काम फिंगर ऑन योर लिप्स रख के हेड डाउन कर देना नहीं है, सिट डाउन स्टैंड अप करना नहीं है, जो केजी में टीचर और प्रिंसिपल कराते हैं। ये देश के सांसद हैं, इनका काम है तीखे सवाल पूछना, इनका काम है सरकार को कटघरे में खड़े करना। लेकिन मोदी सरकार और मोदी जी के शासनकाल में जो जो सवाल पूछेगा उसका निलंबन होगा, और अगर ज्यादा लोकतंत्र का चस्का रहा तो आपको निष्कासित भी किया जा सकता है, करके भी दिखाया गया है। तो यहां पर जो आहत हुई लॉबी है, चुपचाप बैठ जाइए, जैसे मुंह पर ताला तब लगाया था जब लोग अपने हक का और सांसदों के हक का हनन कर रहे थे, वैसे ही अब चुप रहिए। असलियत यह है 142 सांसदों का निलंबन इस देश के इतिहास में वो काला धब्बा है जो छुटाए नहीं छूटेगा।